हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग निस्नेहा ब्लॉग। इस वीडियो में मैं आपके साथ वेगन स्टफ रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलो देखते हैं उसकी रेसिपी क्या है। लेकिन हाँ, ये ज़्यादा यम्मी टेस्टी नहीं है, ठीक है, हेल्दी है इसलिए, क्योंकि इसमें हमने कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं किया, जो जिसमें कुछ मसाला रेसिपी नहीं, सब नॉर्मल है। तो आप ट्राई करना कैसे लगता है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या तो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करते हो तो वहाँ पर DM करके बता सकते हो। सो लेट्स गो। पहले हम ब्लेंडर लेंगे, फिर उसमें 1.5 कप ओट्स डालेंगे, इंस्टेंट ओट्स। अब हम 2 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड्स डालेंगे, फिर ऐड करेंगे ओरिगेनो सीजनिंग 1 टेबल स्पून। इधर मैंने 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स लिया है और 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, क्यूमिन सीड्स, जिसका मैंने पाउडर बना लिया है। दोनों साथ में ऐड कर देंगे पूरा। फिर ऐड करेंगे हम 1/2 टेबल स्पून गार्लिक, जिसको हम चॉप कर लिया है। फिर ऐड करेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून। अब ऐड करेंगे हम 1 मीडियम साइज ऑनियन, जिसको मैंने मीडियम साइज में चॉप कर लिया है, और आप इसको बड़े बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमको उसका पेस्ट ही रेडी करना है। अब ऐड करेंगे हम 1 बाउल टोमेटो पेस्ट, 1 बाउल सरकम है। स्टार्टिंग में हम पहले 3 से 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे, फिर हम देखेंगे हमारा पेस्ट कैसा है। अगर ज़्यादा थिन है, थिक है, तो हम और पूरा ऐड कर देंगे। मैंने पूरा ऐड कर लिया था लास्ट में। अब ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट, मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। आप देख सकते हो हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है, और पेस्ट अच्छा है, ज़्यादा थिन में नहीं, ज़्यादा थिक भी नहीं है। अब ऐड करेंगे हम अक्खी मसूर की दाल, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था नमक डाल के और हल्दी डाल के, इसको भी ऐड करके, और इसको भी हम इसका भी साथ में पूरा पेस्ट बना लेंगे। अगर आपका ज़्यादा पेस्ट ज़्यादा थिक बन रहा है तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं आप। फिर ऐड करेंगे चिल्ली पाउडर। अभी यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड किया है। फिर इसमें मैंने जो मसाला था, हमने जो बनाया था पेस्ट बनाया था, उसको इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जो मैंने और फिर वही कढ़ाई नॉनस्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं, उसमें फिर से 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। फिर उसमें ऐड करूँगी जो मेरे रिमेनिंग मेरे ये गार्लिक थे चॉप किया हुआ, उसको ऐड कर देंगे। फिर ऑनियन का पेस्ट बनाया था 1 मीडियम साइज, उसको भी ऐड कर देंगे। फिर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा ब्राउनिश होने तक। आप सॉल्ट भी ऐड कर देना एज पर टेस्ट, जितना आप हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, आप ऐड कर लेना। अब ऐड करेंगे हम 1 बाउल टोमेटो पेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो मैंने फ्लैक्स सीड और जीरा पाउडर ऐड किया था, वो दोनों पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो और मसाला ग्रेवी में थोड़ा अच्छा फ्लेवर लाएगा। और मैंने यहाँ पे चपाती ली है, रोटी जिसको हम बोलते हैं, मीडियम साइज़ की ली है, और इसमें मैं कुछ नमक, कोई कोई रोटी में नमक डाल के यूज़ करता है, तो मैंने कुछ नहीं लिया है। उसको मैंने मसाले में, मैं जो स्टफ हमने बनाया था उसको फिल कर लिया है, रोल बना लिया है, वही मैंने प्लेट में लिया है एक। फिर जो मैंने टोमेटो पेस्ट रेडी किया था उसको हम ऊपर से डाल देंगे। फिर हम इसको नॉनस्टिक कढ़ाई में रख देंगे, जो मैंने 2-3 मिनट्स पहले प्री हीट कर लिया था। अब इसके ऊपर हम रख देंगे वो प्लेट, और फिर वेट करेंगे 15 मिनट्स तक। अगर आपके पास ओवन है तो और अच्छा है, तो आप ओवन के अकॉर्डिंग एट जो भी आप यूज़ करते हो वो रख देना उसी पे। तो हमारा ये स्टफ रेडी हो चुका है। बाय बाय।